और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है सर, डन। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। अभी लंबे रहना, 1.5 साल हुआ है पेंट किए। और एक साल के बाद सिर्फ मेंटेनेंस के लिए आऊंगा, फिर से सिरेमिक मेंटेनेंस करना है। फिर थोड़ा बहुत डैमेज होता है, डोंट वो उसके लिए ज्यादा वरी मत करिएगा। अगर एक आध कोई पैनल ऐसा कुछ हुआ तो वी आर हियर फॉर यू। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं हुआ है कभी भी भाई, या ऐसा फ्रेंड्स पापा लेके गए ना तभी हुआ है। अभी ये डायलॉग मैं पापा को बोलूंगा तो पापा बोले इधर आ, मैं बता दू। तुमको इसका ब्रेक नहीं मिल रहा था? हाँ थोड़ा अलग सा है, वहाँ अंदर जहाँ पे ये रहता है ना क्लच रहता है, उसके बाजू में एक लीवर है, पूरा ऐसे दबाना पड़ता है, फिर जब छोड़ना है तो उसको दबा के छोड़ना पड़ता है। मतलब मैनुअल ब्रेक है वो, और हाथ वाला मैनुअल नहीं है, पैर वाला है। जैसे मर्सिडीज में इधर आता है ऐसे खींचना पड़ता है, एक छोटा सा लीवर रहता है। ह्यूंडाइज और इन सब में यूजुअली इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक रहता है, यहाँ पे बटन जैसा, वो मिल नहीं रहा था मुझे। पैर के पास लेग ब्रेक है वो। हेलो सर, हाय। आपको देख के ऐसा, मतलब इतने वीडियोस देखे हैं कि लग रहा है बहुत पहचानता हूँ। प्लीज, माय प्लेजर सर, माय प्लेजर। ये वो गाड़ी है जो आपने शायद कुछ व्लॉग्स पहले देखा होगा, कस्टमर ने पहले PPF कराया था इस पे, बट बहुत ही गंदा एप्लीकेशन हुआ था और मटेरियल भी वी आर अज्यूमिंग जो प्रॉमिस किया गया था वो नहीं लगाया, तो वी हैव रिमूव द PPF फ्रॉम द होल कार। तो गाड़ी को हमने सैंड भी इसी वजह से किया है क्योंकि कस्टमर को बिल्कुल भी ऑरेंज पील नहीं चाहिए थी गाड़ी पे, एंड ही वॉन्टेड दैट डीप ग्लॉस मिरर फिनिश, तो इसलिए हमने पूरी गाड़ी को सैंड करना जरूरी समझा। जहाँ जहाँ हमने PPF उतारा, कुछ कुछ जगह पे ब्लेड के मार्क्स भी थे और कुछ कुछ जगह पे प्रीवियसली चिपिंग्स थी जो ब्रश टचअप करके या फिर एज इट इज उनके ऊपर PPF चढ़ा दिया गया था। तो उन 2-3 जगहों पे हम स्पॉट रिपेयर्स कर रहे हैं, तो गाड़ी आज पेंटिंग में जा रही है, एंड एक बार पेंटिंग का काम हो गया तो विल डिटेल द कार एंड देन विल पुट इट इन फॉर PPF एप्लीकेशन। क्या चचा जान क्या कर रहे हैं? हाँ कलर बना रहा है, नाइस। ये तो क्रोम फिनिश है पूरा, टिंटेड क्लियर रहेगा ये। ठीक है, किसी को करना है? प्यारा लगा मुझे, किसी को करना है क्या? ये मेरा करने का मन कर रहा है अभी। इसका है फॉर्मूला? तो मेरे को वो पिंक वाला बहुत अच्छा लगा, पिंक पर्पल वायोला बास्ट। ये वो दिखाइए, यूट्यूब पे वीडियो है कोई? शिमी का मैं नहीं जानता, शिमी को। शिमी, शिमी। Who does it? Slowly tantric. This is insane. Wow, that is a color that only a Lamborghini can wear. बेटा एक दिन ये देख लेना, यही कलर हम मारुति सुजुकी पे मारेंगे। तू लैम्बोर्गिनी की बात कर रहा है। That is absolutely crazy. क्या बात है, क्या बात है? वरना है कलर चेंज, गाड़ी ऑलरेडी पर्पल है, तो पर्पल में चाहिए, तो वायोला पैसिव है। वरना है कलर चेंज, गाड़ी ऑलरेडी पर्पल है, पर्पल करना है। मतलब पर्पल है के एफपी से पर्पल वाली जो वरना आती थी ना, डार्क पर्पल टाइप की फिनिश वरना आती थी। मेरे हिसाब से जो ये कलर हम अभी देख रहे थे, ये भेज एक लैंटाना पर्पल भेज, वायोला पार्सिफे पर्पल सिल्वी। हाँ ठीक है, पर्पल सिल्वी चलो। ये हाँ ये चलेगा, अच्छा चलेगा, ठीक है, मजा आ जाएगा। ये वाला हां, और पर अभी दिख रहा है सर, गाड़ी तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बनाई है एक्चुअली। ये बलेनो से इंटीरियर वगैरह इसका बलेनो से बहुत बेटर लगा मेरे को, ये पेज, हाँ पेज कलर और ये पियानो ब्लैक की वजह से डार्क डार्क ही दे दिया। ये आपको ऑन रोड कितने की पड़ी सर? मुझे पड़ा 10 लाख। 10 लाख ऑन रोड, बढ़िया है गाड़ी। तो ये सब स्टॉक आया है, लेदर वगैरह ये सारा? ये सब स्टॉक है, पहले बलेनो बुक किया था। आप केरला से हो? मैं कर्नाटका से। कर्नाटका से हो? लोगोस नंबर प्लेट लगाना, लोगोस
लोगो भी लगाना है। इसे थोड़ा निकाल दीजिए। मुझे लग ही रहा था तुम अंदर बैठ के कुछ देख रहे थे। मतलब फीचर्स ऑलमोस्ट सब कुछ डाल दिए मैं, बलेनो और ये सेम है बट इसका इंटीरियर थोड़ा लाइट और डार्क कॉम्बिनेशन में ज्यादा बेटर दिखता है। बलेनो बहुत ज्यादा प्लास्टिक ही दिखती है। मैं बोला तेरी वजह से, तू भी मेहनत की है। छोड़ कट, मेरे को स्टोरी दो आज के लिए। अच्छी बात है, अब लाइफ में आगे बढ़ो। दोनों तरफ डैशबोर्ड पे लेते रहे, और इसमें भी AMT है 10 लाख वाली है जो बता रहा था कस्टमर, AMT वाली। सामने का डिस्प्ले, सेंट्रल कॉकपिट का भी डिस्प्ले है, वो पावर माइलेज हर चीज बताता है। सेंटर का टच स्क्रीन इतना बड़ा है, स्विफ्ट में वो नहीं है, स्पेस कंपैरेटिवली ज्यादा है, हर चीज में अच्छी है। 10 लाख रुपए की गाड़ी है, माइलेज अच्छी है। तो हम सुजुकी वाला वर्जन ही क्यों ना ले? नहीं, ये बेटर है, इसका इंटीरियर वगैरह बेटर है टोयोटा वाले का। सुजुकी का पूरा ब्लैक और ब्लू प्लास्टिक है, इसमें ब्लैक और बेज है। कन्वेयर ने ही बोला था ना टोयोटा पार्ट्स में प्रॉब्लम देता है बाद में। अरे वो अलग चीज है वो, नहीं तो फिर हमें वो हमें एज अ सर्विस प्रोवाइडर वाली बात है। अच्छा, उन्होंने टायर भी इसलिए किया है क्योंकि उनको कॉस्ट कटिंग करनी थी। क्या होता है कॉस्ट इफेक्टिव वे में, अगर तुम अपने कस्टमर्स को एक प्रोडक्ट दे पा रहे हो तो तुम जहाँ 10 लाख बलेनो बननी थी अब वो 15 लाख या 18 लाख बलेनो बनेगी। सिर्फ बैजिंग चेंज होगी और वो टोयोटा को चली जाएगी। और इंजन, वो अपना इंजन दे रहे हैं टेक्नोलॉजी, अपना चेसी और बॉडी दे रहे हैं, डिजाइन दे रहे हैं, R&D। मतलब टोयोटा ज्यादा दे रहा है, मारुति कुछ नहीं दे रहा। नहीं, मारुति का प्रूवन डिजाइन है, नंबर्स दे रहे हैं उन्हें वो। बनाना है पर आपके वीडियो वो बहुत देखते हैं, उनका बनाना वही थे, कुछ भी कर सकते हैं। सर एकदम OEM वाली लुक आ रही है ब्रांड के लिए, परफेक्ट जो चाहिए था वैसे परफेक्ट, बिना बोले कुछ बनने थे। थैंक यू सर, थैंक यू। ऑल वाइट रोड का पुलिस कर ला। मैं निकल रहा हूँ, मैं जल्दी जाता हूँ शाम को, फिर मैं जिम जाता हूँ, बड़ी एक्सरसाइज करता हूँ, इसलिए मैं जल्दी निकल। ठीक है, बाय। तुम डिलीवरी वगैरह करा दे। चलो ओके, बाय बाय। बाय। हाँ शाम को। तो ये TUV का कलर चेंज की हम लोग अभी प्लानिंग कर रहे थे कस्टमर के साथ। सर हरियाणा से आया हुआ है, एक्चुअली कलर चेंज नहीं कर रहे हम, इसके RC में ऑलरेडी ग्रीन कलर लिखा है, हम लोग ग्रीन में कोई और शेड देख रहे हैं ताकि उस RC में कोई कलर चेंज का नौबत ना आए। 4 हमने फाइनल किए, वो 4 में से देखते हैं अभी कौन सा फाइनल होता है। दिस इज माय फर्स्ट प्रेफरेंस, ये वाला कलर है। या दिस इज माय फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड एंड थर्ड, सो आउट ऑफ दैट 3 नाउ एक करते हैं ना। ठीक है। हाय नमित सर, कैसे हो आप? मस्त, आराम, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, कैसा हुआ है काम? मस्त, एक नंबर हुआ है। हम बहुत ज्यादा खुश हो गए, आपने जिस तरह से उसको रखा है ना। हाँ। हम बहुत खुश हो गए। वो बीच में ने गांव में नहीं था ना। हाँ। तो ऐसा पापा यूज करते थे, भाई लेके जाते थे, तो तभी थोड़ा ये हुआ है। नहीं, लेकिन ओवरऑल आपने जो पेंट का वो रखा है, पूरा मेंटेनेंस पूरा अच्छे से रखा है। हर 15 दिन में गाड़ी धो के मस्त करके और डाल के रखते, और हम कोई बिलीव भी नहीं करेगा सर कि ये इंटीरियर और ये सब यहाँ पे हमने पेंट किया और 1 साल हो चुका है। हमने कस्टमर को बोला ये हमारे नमित सर की गाड़ी है, मतलब मैंने वो प्रोजेक्ट किया था, 1 साल हो गया, ये वैसा का वैसा है, वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे।
किसी को ऐसा गंदे पाँव से अंदर आने नहीं देता, नहीं। है बाहर से करना है, नहीं, नहीं, अंदर खाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, चाहे तो गाड़ी रुकवा देता हूँ, 2-3 घंटे बैठो खा के आके। बहुत बढ़िया, चलो कॉन्ग्रेचुलेशन सर वंस अगेन आपका गाड़ी का वापस से डिलीवरी के लिए। थैंक यू सो मच। फाइनली TUV 300 का कलर फाइनल हो गया, कलर है लैम्बोर्गिनी का वर्डे ड्रैको, इसका प्रोजेक्ट बनाएंगे अभी। सेम लग रहा है, मुझे क्या लगता है सेम है, अपन दोनों का टोन एकदम सेम है। आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। शादी था ना? शादी भी हुआ, हो गया। मैं बुलाया लेकिन कोई नहीं आया। नहीं सर, क्या है, हम आप देख ही रहे हो कैसा चल रहा है सब, तो है। हम खुद शादी नहीं कर पा रहे। ये मटकली ये मटकली मटकली, अरे कहाँ चली कहाँ चली। तुम स्लीव्स ऊपर कर रहे थे। तुम जा रहे हो? नहीं कुछ नहीं, कंटेंट चाहिए दोगे? मैं भूत की तरह क्यों खड़ा है बेवा? मैं डर गया। शॉर्ट्स देखी? कौन सी वाली? वही फोर्स वाली गाड़ी। हाँ कमेंट्स। हाँ मैं राघव से वही पूछ रहा था, मैं कहा तेरे को फर्क पड़ता है, अभी कहता नहीं, मैं कहा मेरे को भी नहीं पड़ता। अपना अपना काम कर रहे हैं, दुनिया हर किसी की अपनी ओपिनियन है, लोग तो कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, तो अपना काम करो, है ना, चाहे तारीफ करे चाहे बुराई।